कंगना रनौत पे बोले कुछ, औकात है तो बीजेपी वाले को, उस रंग में कितनी फिल्म बनाई है कंगना रनौत, है औकात बोलने? देखिए, एक तो नचनिया है, बजनिया है, गजनिया है, तीन गो है, एगो मनोज तिवारी, एगो रवि किशन, एगो निरहुआ। उसने जो नेता इस बात बोल रहे हैं पठान रिलीज नहीं होगी, वो नपुंसक है। किसी के माई के लाल में दम नहीं होगा जो पठान को रिलीज करने से रोक दे। रवीना टंडन उस गाने में जो है किप्पी बरसे बरसे, उसमें भी वो ऑरेंज पहनी हुई है, दीपिका को पर्टिकुलर क्यों पॉइंट किया जा रहा है? रंग अब बेबात का रंग करेंगे यहाँ आदमी। गरीब रोड के डिवाइडर पर सो रहा है उसको ध्यान नहीं है, कम्बल नहीं है उसको ध्यान नहीं है, गरीब मर रहा है उस पर ध्यान नहीं है। कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या पहनते क्या नहीं पहनते वो हमारी मर्जी होती है। ये तो हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमारी लिबर्टी है, हम कोई भी कलर का कपड़ा यूज करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये लोग मुद्दे की पॉलिटिक्स कभी नहीं करते हैं, ये लोग ऐसे ही फिल्म पे पॉलिटिक्स करते हैं, शमशान पे पॉलिटिक्स करते हैं, कब्रिस्तान पे पॉलिटिक्स करते हैं, मंदिर पे पॉलिटिक्स करते हैं, मस्जिद पे पॉलिटिक्स करते हैं। करना है तो मुद्दे पे पॉलिटिक्स करो। मूवी सिर्फ एक्ट्रेस का नहीं होता है, उसमें कितने लोग पीछे काम किए हुए हैं। अगर एक मूवी बैंड होता है तो इतने सारे लोग जो उसके पीछे मेहनत की है, डांस कोरियोग्राफर होते हैं, ड्रेसिंग के होते हैं, सब कुछ के सारे उनका मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना। ये पॉलिटिक्स वाले अपना जो यहाँ के नोट्स देखे ना, वो सॉन्ग्स कम सुने और यहाँ के जो गटर वगैरह है वो जाके ज्यादा चेक करें, यहाँ जो नहीं कपड़े पहने उनके जाके कपड़े पहनाए, जो टीवी के हीरोइन को देख करके जज ना करें, अपना वो काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान पर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इसका विरोध किया जाएगा और ये विवाद की वजह बेशर्म गाना है। इसको लेकर के आज जो बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, उन्होंने भी इसको लेकर के कहा है कि हम बिहार में फिल्म को नहीं चलने देंगे, हम युवाओं से बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बिहार में अगर फिल्म रिलीज होगी तो हम नहीं चलने देंगे? कुछ नहीं, जो नेता इस बात बोल रहे हैं पठान रिलीज नहीं होगी वो नपुंसक है। किस हिसाब से बोल रहे हैं? किसी के माई के लाल में दम नहीं होगा जो पठान को रिलीज करने से रोक दे। पठान एक अच्छी फिल्म है, एक अच्छी स्टोरी पे फिल्म आ रही है, फिल्म को रंग से जोड़ा जा रहा है। शमशान और कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखिए, एक तो नचनिया है, बजनिया है, गजनिया है, तीन गो है, एगो मनोज तिवारी, एगो रवि किशन, एगो निरहुआ। ये तीनों क्या रंग रूप से क्या फिल्म नहीं बनाते हैं? किसी रंग से फिल्म को आइडेंटिफाई किया जाएगा? कैसा ही पॉलिटिक्स है? ये लोग मुद्दे की पॉलिटिक्स कभी नहीं करते हैं, ये लोग ऐसे ही फिल्म पे पॉलिटिक्स करते हैं, शमशान पे पॉलिटिक्स करते हैं, कब्रिस्तान पे पॉलिटिक्स करते हैं, मंदिर पे पॉलिटिक्स करते हैं, मस्जिद पे पॉलिटिक्स करते हैं। करना है तो मुद्दे पे पॉलिटिक्स करो। हम लोगों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा दो, 2 करोड़ हर साल नौजवान को नौकरी दो, क्यों नहीं देते हैं? है इनकी औकात बहस करने की इस मुद्दे पे? ये लोग बात करेगा शाहरुख खान के ऊपर, सलमान खान के ऊपर, कंगना रनौत तो बोले कुछ, औकात है तो बीजेपी वाले को, उस रंग में कितनी फिल्म बनाई है कंगना रनौत, है औकात बोलने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? ये सब संघीय मानसिकता के लोग हैं जो इस देश की नफरतों को फैलाना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मोहब्बत फैले, हिंदू मुस्लिम भाई की एकता बनी रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं इस देश में। कह रहे हैं कि जिस तरह से रंग को बेशर्म कहा गया इसका विरोध है हमको, दीपिका पादुकोण ने जो कपड़ा पहना है फिर बेशर्म कह दिया, रंग को लेकर के उस पर विवाद खड़ा। नहीं, रंग से किसी फिल्म की आइडेंटिफाई कैसे की जा सकती है? अगर हमको गेरुआ रंग पहनने में खुशी है तो हमको क्यों कोई रोक सकता है? ये लोकतंत्र, हमारा संविधान हमको याद देता है कि हम कोई भी रंग पहन सकते हैं और किसी भी रंग में हम किसी भी फिल्म बना सकते हैं। ये भाजपा वाले सर्टिफिकेट नहीं बांटा कि इस रंग में फिल्म बनेगी उस रंग में फिल्म नहीं बनेगी। ये हमारी लोकतंत्र की आजादी है, संविधान मुझे ये आजादी देता है कि हम किसी भी रंग में फिल्म बना सकते हैं। क्या लगता है बीजेपी का लोग, जिस तरह से बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर के? विरोध तो ठीक है, बहुत बढ़िया। विरोध जो हो रहा है वो विरोध नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे विरोध ठीक है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये चीज बोल रहे, ये ठीक नहीं है। फिल्म पठान चलनी चाहिए। हम अब कौन चलेगा? धमकी दी है कि बिहार में कोई धमकी हमकी नहीं चलेगा। हाँ। कुछ नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम या बिहार है, मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, वो नहीं, बिहार में सब आदमी मिलजुल के रहते हैं। बिहार के वासी हम हैं, आप है, सब मिलजुल के हैं। दोनों आदमी लिट्टी चोखा एक प्लेट में खाएंगे। यहाँ रंग अब बेबात का रंग करेंगे। यहाँ आदमी गरीब रोड के डिवाइडर पर सो रहा है उसको ध्यान नहीं है, कम्बल नहीं है उसको ध्यान नहीं है, गरीब मर रहा है उस पर ध्यान नहीं है। करी रंग जाके देखिए डिवाइडर पर कितना आदमी सोया हुआ है, चिमकी पहन के सोया हुआ है, चिमकी ओढ़ के सोया हुआ है, बोरा ओढ़ के
वो सब पर कोई ध्यान नहीं दे, गरीब मारा जा रहा है। आओ आदमी का हम बीए ऑनर्स किए हुए हैं, वही पॉलिटिकल साइंस से चिनिया बादाम का दुकान खोले हुए, ये बिहार सरकार है, चिनिया बादाम बेच रहे बीए पढ़ के, आप क्या चाहिए, वाह क्या बात है, कड़ी रंग पर है, पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी दो नहीं देगा, चिनिया बादाम बेच रहे, आप क्या चाहिए, अब बिहार और डेवलपमेंट होगा, दिस इज नॉट वेरी बैड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ, दिस इज जॉब, दिस नॉट इन इंटरेक्शन फॉर यू, लाइफ है वो कर रही है ठीक है ना, और ऐसे भी मूवी सिर्फ एक्ट्रेस का नहीं होता है, उसमें कितने लोग पीछे काम किए हुए, अगर एक मूवी बैंड होता है तो इतने सारे लोग जो उसके पीछे मेहनत किए है, डांस को कोरियोग्राफर होते हैं, ड्रेसिंग के होते हैं, सब कुछ के सारा उनका मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना, मूवी बैंड तो कर देंगे, सिर्फ एक्ट्रेस को देख के मूवी बैंड कर देंगे, पर इतने सारे जो लोग उनके पीछे काम किए उनका क्या होगा फिर, उनका भी तो लोग गला वजह हल्ला कर रहे हैं। देखिए हम पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है ये बहुत गलत है, ठीक है, आपको क्या लगता है दीपिका को निशाना बनाया जा रहा है अच्छा है कि गलत हो रहा है? छोड़िए हम इसे नहीं बोलना चाहते, नहीं दीपिका एक हीरोइन है, उससे एक बॉलीवुड की पहचान है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, आपको लगता है ये गलत है? कलर को लेके मतलब ड्रेस कलर को लेके करना बहुत गलत है, कलर तो खुद में कलर होता है, सारा कलर तो सेम ऐसे थोड़ी ना, पहले किसी दीपिका ही पहले ही वो ऑरेंज कलर, उससे पहले भी कई रवीना टंडन उस गाने में जो है किप्पी बर्ड उसमें भी वो ऑरेंज पहनी, कटरीना पहनी हुई है, सिर्फ दीपिका को पर्टिकुलर क्यों पॉइंट किया जा रहा है? नहीं तो इस पे एक बात तो ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब ना बेसिक से हटाने का एक मुद्दा होता है कि आप इस तरह नजरिया होता है लोगों का, और किसी का भी ड्रेसअप सेंस ये उसका पर्सनल इशू है, और इससे हट के ना नेता लोगों को बेसिक से रिलेटेड बात करनी चाहिए, लाइक कि एजुकेशन सिस्टम है, बिजली है, स्वास्थ्य है, इन सभी पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ये सब बेसिक से हटने का एक मुद्दा है, और जो हम पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सभी डाइवर्सिटी इन यूनिटी में रहते हैं, तो वो जाते हैं। कभी ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई गेरुआ रंग जो है वो किसी सेंटिमेंट या फिर किसी रिलीजन को टच करता है, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रंग का कोई भी कपड़ा पहन सकता है, ये तो हमारी मतलब क्या बोलते हैं, ये हमारी लिबर्टी है, हम कोई भी कलर का कपड़ा यूज करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है, और इंटरटेनमेंट तो हर जगह से होती है, तो उससे किसी और को किसी का सेंटीमेंट कैसे हर्ट हो सकता है, तो ये कोई डील ही नहीं है कि मतलब हमारा सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है या इस तरीके की कोई बात होनी नहीं चाहिए। दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही है, ये तो बिल्कुल बुलशिट है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मीन्स हर एक को अपना मतलब एक्सप्रेशन करने का अधिकार तो हमारा संविधान ही दे देता है, तो फिर वो चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, अगर हाँ वो आपके किसी रिलीजन के किसी पॉइंट पे अगर वो टच करता है तो एक अलग बात है, बट एक सैफ्रन कलर को लेके उसको इतना इशू बनाना, दैट्स नॉट गुड। आप बताइए आपकी क्या राय है, जिस तरह दीपिका को निशाना बनाया जा रहा है उस गाने को लेकर के, आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो जो फिल्म आ रही है उसमें जो गाना है बेशर्म, उस पर आपको क्या लगता है फिल्म पर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, या आजादी है सबको अपना कलर चूज करने का आजादी है? मुझे इधर इनफैक्ट गलत ही लगता है कि लोग अगर कलर को लेके किसी धर्म पे जा रहे हैं, तो बिकॉज कलर इज नॉट डिफाइंड एज अ रिलीजन, कलर आप यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर, अगर ब्लैक है वाइट है जो भी कलर है भाई, इंसान है वो इस दुनिया में आया है, उसको कलर वो दिख रहा है तो उसका हक है पहनने का, सिंपल सी बात है। मेरा ये कहना है कि अगर मुद्दा बनने का है तो किसी भी चीज़ पे मुद्दा बन सकता है, जब पद्मा बताया था तो उस टाइम भी मुद्दा बना था, और अभी ये सॉन्ग आया तो इसमें भी मुद्दा बन गया, तो ऐसा नहीं है, जब हाँ ज्यादा अगर हो तब कह सकते हैं, बट इतना भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉलिटिक्स वाले अपना जो यहाँ के नोट्स देखे ना वो सॉन्ग्स कम सुने, और यहाँ के जो गटर वगैरह है वो जाके ज्यादा चेक करें, यहाँ जो नहीं कपड़े पहने उनके जाके कपड़े पहनाए, जो टीवी के हीरोइन को देख करके जज ना करें, अपना वो काम करें वो अपना काम कर रहे हैं, दूसरे के काम में टांग नहीं आना चाहिए, दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जानते हैं बचोल जी हमेशा विवादित चीजों पे हमेशा वो अपना कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, शाहरुख खान देश नहीं पर कि बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है, और शाहरुख खान के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक फैन फॉलोइंग है, और मूवी कोई भी हो आप उसे देखें या ना देखें, अच्छा बुरा आप राय रख सकते हैं,
पर वो एक कलाकार है, वो अपना कलाकारी दिखाते हैं। हम लोग भी एकदम अवारगी के एकदम पक्षधर नहीं है, मगर फिल्म है, फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। आपको पसंद या ना पसंद वो अलग मामला है, मगर किसी को नहीं चलने देना या चलने देना ये कोई बात नहीं हुई। हम तो कहेंगे कि आप इससे पहले एक फिल्म आई थी उसका टैक्स फ्री कर रहे थे। अरे भाई फिल्म है, फिल्म को फिल्म की जैसे देखिए, वो एक कहानी है, कलाकार है, अपने कला को प्रस्तुत करता है। अगर आपकी आपको उसकी कला पसंद नहीं आ रही है वो आपका मैटर है। वो कलाकार वो दीपिका पादुकोण हो या शाहरुख खान हो, ये वर्ल्ड लेवल के शख्सियत है और पूरी दुनिया में इनकी फिल्म देखी जाती है। भाजपा वालों और भाजपा के नेता के देखने या न देखने से ऐसा थोड़ी है कि शाहरुख खान की फिल्म नहीं चलेगी। इस तरह से दीपिका के गाने को लेकर के, कपड़े को लेकर राजनीति हो रही, कुछ लोग बोल रहे हैं फिल्म बैन होना चाहिए, क्या राय है आपकी? नहीं, मेरे को लगता है कि कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या पहनते क्या नहीं पहनते वो हमारी मर्जी होती है। और इस पे अगर ये कह रहे हैं लोग कि बैन हो जाना चाहिए मूवी, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सही है। तो इस पे राजनीति होना, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज राइट। तो मेरे को लगता है कि ये बैन नहीं होना चाहिए। और इस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसको लाइक भी कर रहे हैं गाने को। और मेरे को नहीं लगता है कि बॉलीवुड में, देखिए बहुत तरीके के ऐसे मतलब एक्ट्रेस है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कपड़े पहनते हैं उस तरीके का, क्योंकि वो उनकी च्वाइस है। तो हम भी अगर कपड़े उस तरीके का पहनेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं कि कोई जज करेगा, भले वो पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। अगर ये हम सोचने लग जाएं तो फिर हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ बैन होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ये सही है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई अप्रिशिएट। तो आपने सुना कि ये पटना के लोग हैं जिनका मानना है कि दीपिका पादुकोण का जो रंग है, जो गाना है, जो कलर है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से आवाज़ें उठाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हर आदमी को अपनी आज़ादी है। और शाहरुख खान की जो मूवी है, जिस तरह से उसके पहले जो गाना रिलीज हुआ दीपिका पादुकोण उसमें है और शाहरुख खान है, बेशरम रंग को लेकर के उस पर विवाद खड़ा हो गया था। इस पर लोगों ने अपनी राय दी है। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर।